बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो स्टार्ट करने लगे हैं। यूजिंग थ्योरम क्वेश्चन देखें, मैं रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन उसने कहा यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसने कहा एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 2y प्लस एक्स प्लस 2z ओवर एक्स माइनस 2z। उसने कहा इफ एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 4y जी और ओवर वाई ओवर जी के, ठीक है। हम लोगों ने कंपोनेंट और डिविजन दो थ्योरम के मुताबिक करना है इसको। क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, क्वेश्चन मैं उतार रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमें दिया गया, उसने फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा, ये देखिए एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 2y प्लस का साइन है एक्स प्लस 2z एक्स माइनस 2z। उसने कहा इफ की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू ये, उसने कहा इफ अगर हमारे पास क्या होगा एक्स इज इक्वल टू किसके 4y और z के ओवर y प्लस z के, ठीक है। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 2y प्लस 2z और प्लस एक्स माइनस 2z के, और उसने कहा एक्स की वैल्यू हमारे पास ये होगी। देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक्स जो हमारे पास किससे इक्वल है 4y z के, ठीक है, वाई प्लस जी, ठीक है। अब देखें 4y है और 4y z है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू 2y और 2z, ठीक है। वाई और जी की वैल्यूज को हमने सेपरेट करना है, वाई प्लस जी इसी तरह, और एस इज इक्वल टू किसके है। अब हम क्या करेंगे, एक्स जो है हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी पहले वाई की, 2y एक्स ओवर 2y, ठीक है, एक्स ओवर 2y हो जाएगा प्लस पीछे पीछे क्या बची एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2z ओवर किसके है वाई प्लस जी के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग कौन सा मेथड, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। अप्लाई क्या करेंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ इसको लिखेंगे, ठीक है। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस की वैल्यू आएगी y प्लस जी ओवर 2z माइनस आना ना, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ y माइनस y प्लस जी, ठीक है। अब x प्लस 2y एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2z और ये z 2z और 2 कितना हुआ 2 3z y यहाँ 2 3 3z प्लस वाई 2z और ये माइनस, ये देखें अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, 2z माइनस का y हो गया माइनस 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 प्लस माइनस और ये क्या हो गया z, ठीक है। x प्लस 2y एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3z प्लस वाई ओवर 2z में से z निकाले तो क्या आएगा 1z, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आएगा z माइनस क्या आएगा जी माइनस वाई, ठीक है, जी माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नाउ एक्स जो किसके इक्वल है, एक्स किसके इक्वल था 4y z के, और ये क्वेश्चन हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1 के, y 4y z इज इक्वल टू वाई प्लस जी के, ठीक है। अब भी हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, हम लोगों ने यहाँ लिखा था x की वैल्यू ये निकाली थी 2y और 2z आगे क्या था y प्लस जी के, ठीक है। ये देखें 2y प्लस 2z y प्लस जी हो गया अप्लाइंग। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या करना, x किसके इक्वल है, पहले हम लोगों ने x 2y किया था, अब हम x 2
जी टू जी इज इक्वल टू, पहले एक्स वाई टू वाई किया था और अब टू जी के करेंगे, इज इक्वल टू क्या बचेगा, टू वाई पीछे बचा टू वाई ओवर वाई प्लस जी के। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ये जी है जेड है, ठीक है, अप्लाइंग क्या करेंगे, अप्लाइंग अगेन अप्लाइंग थ्योरम कर देंगे, अप्लाइंग थ्योरम कंपोनेंट ऑफ वही थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो और कंपोनेंडो जो थ्योरम है वो हम लोगों ने अप्लाई करना है, अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस टू जी, एक्स प्लस टू जी एक्स माइनस टू जी के इज इक्वल टू टू वाई प्लस जी टू वाई माइनस वाई माइनस जी के, ये प्लस का जी है वाई माइनस टू जी के। ठीक है, वाई प्लस जी ये हो गया वाई प्लस जी के, ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस टू जी ओवर एक्स माइनस टू जी, एक्स प्लस टू जी और एक्स माइनस टू जी इज इक्वल टू किसके था, टू वाई, और टू वाई कितना हुआ, टू वाई थ्री वाई प्लस जी, इतना टू वाई में से माइनस वाई निकाले तो क्या आना था, टू वाई में से माइनस वाई निकाला था वन वाई, वन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाहर माइनस था अंदर माइनस, अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस जी। ठीक है, बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो माइनस की वजह से क्या होगा, प्लस की माइनस का साइन चेंज होता है, प्लस का साइन प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्या बन गई, टू बन गई। अब हम क्या करेंगे, एडिंग डिंग इक्वेशन वन एंड टू। ठीक है, इक्वेशन वन और क्वेश्चन टू को हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन वन हमारे पास क्या थी, एक्स प्लस टू वाई एक्स माइनस टू वाई प्लस ये वाली वैल्यू, एक्स प्लस टू जी एक्स माइनस टू जी इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री वाई, और जी माइनस वाई प्लस का साइन था, थ्री वाई प्लस जी वाई माइनस ये वन वाई माइनस वाई वन वाई माइनस जी, वन लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाई प्लस थ्री वाई ये इज इक्वल टू वैसे ही आ जाएगा वाई प्लस थ्री वाई जी माइनस वाई। ठीक है, ये देखिए दोनों को इक्वल करना है, वाई प्लस थ्री वाई जी माइनस वाई माइनस प्लस थ्री वाई प्लस जी आगे माइनस का जी जेड माइनस का प्लस का क्या वाई। ठीक है, अब वाई प्लस थ्री वैसे ही आ जाएगा वाई प्लस थ्री वाई वाई प्लस थ्री वाई ओवर जी माइनस वाई। अब क्या करेंगे, ये माइनस से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री वाई प्लस जी तो क्या आएगा, जी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो साइन अंदर क्या होगा, माइनस का वाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना, जी माइनस वाई जो कॉमन ले लेंगे, ये फैक्टर इसका क्या बनेगा, एलसीएम क्या आएगा, जी माइनस वाई, जी माइनस वाई को वन से करें तो वन आएगा प्लस वाई का प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू, इसी तरह जी माइनस वन को अंदर रखो, जी माइनस वन को बाहर रखो तो क्या आता है वन, तो वन को मल्टीप्लाई करो थ्री वाई ऐसे ही आ जाएगा प्लस जी, ये माइनस का साइन है तो ये देखिए ये जी है, ये देखिए इज इक्वल टू का साइन आप लोगों ने नहीं लगाना भूलना, वाई प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई, ये माइनस का जी है तो ये किसका जी हो जाएगा, वाई प्लस थ्री वाई प्लस। ठीक है, ये क्या आएगा, माइनस का जी। ठीक है, ये देखे स्टूडेंट ये स्टेट है, ये देखे जी माइनस वाई जी माइनस से कट गया तो पीछे का बचा टू, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, टू। ठीक है, ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम के मुताबिक करना था, इसके सारे क्वेश्चन जो बाकी सेम है इसी तरह के, क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव जो सेम एज इट इज़ है,
ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको करवाती हूँ। सोल्व उसने कहा सोल्व करें x माइनस टू का स्केयर माइनस x माइनस फोर का स्केयर ओवर x माइनस टू का स्केयर प्लस x माइनस फोर का स्केयर इज इक्वल टू 12 ओवर 13। ठीक है, ये अब हम लोग खुद करें। देखें क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मैं करने लगी। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये बता रही हूँ मैं, एक्स माइनस टू का स्केयर माइनस एक्स माइनस फोर का स्केयर ओवर किसके एक्स माइनस टू का स्केयर प्लस एक्स माइनस फोर का स्केयर इज इक्वल टू 12 ओवर 13। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना, ये देखें हम लोगों ने क्या करना है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, एक्स माइनस टू, ये देखें एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस फोर का स्केयर, ये देखें एक दफ़ा प्लस के साथ लिखनी, प्लस की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस टू का स्केयर प्लस एक्स माइनस फोर का स्केयर ओवर, इसी तरह सेकंड वैल्यू लिखेंगे, एक्स माइनस टू का स्केयर माइनस एक्स माइनस फोर का स्केयर। पहले प्लस के साथ हमने लिखा, अब हमने किसके साथ लिखना है, माइनस के साथ लिखना है। ठीक है, माइनस एक्स माइनस टू का स्केयर प्लस एक्स माइनस फोर का स्केयर इज इक्वल टू 12 प्लस 13, 12 माइनस 13 पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए x माइनस टू वैसे ही आ जाएगा, ये देखो माइनस x माइनस फोर का स्केयर प्लस का है तो प्लस के साथ साइन चेंज नहीं होते, प्लस के साथ x माइनस टू ऐसे ही आ जाएगा प्लस x माइनस फोर का स्केयर ओवर, ये देखिए x माइनस टू वैसे माइनस x माइनस फोर का स्केयर। अब ये माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये प्लस का था माइनस है, एक्स माइनस टू का स्केयर माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस फोर का स्केयर। 12 और 13 कितने होते हैं, 12 और 13 ऐड करें तो क्या आता, 25, और 13 में से 12 में करें तो क्या आता है, माइनस का 1। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर दें, प्लस माइनस एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर ये दोनों कैंसिल आउट होगी, क्या बचा 2x माइनस टू का स्केयर ओवर x माइनस फोर, x माइनस फोर, x माइनस फोर प्लस का x माइनस फोर भी देखिए माइनस प्लस माइनस, x माइनस टू, x माइनस टू, ये देखिए x माइनस फोर माइनस का x माइनस फोर माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस टू और x माइनस टू कैंसिल आउट हो, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचेगा 2x माइनस फोर का स्केयर इज इक्वल टू 25। ठीक है, माइनस वन 25। अब क्या करेंगे हम लोग, स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड पे, बोथ साइड पे हम लोगों ने क्या करना है, स्केयर लेना है। ठीक है, ये टू टू से कैंसिल आउट हो गया, x माइनस का टू, x माइनस फोर का स्केयर, इसका स्केयर, इसका स्केयर बचा, जब हम लेंगे तो क्या आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 25, ये माइनस का 25 था तो ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस टू, x माइनस फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 25 का आपको पता है स्केयर के अंडर रूट क्या होता है, 5। एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें, x माइनस टू ओवर x माइनस फोर इज इक्वल टू 5, देखिए x माइनस टू ओवर x माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस का 5, x माइनस टू यहाँ पे 1 कंसीडर किया जाता है, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस टू वैसे ही आ जाएगा
5x आएगा, 5x माइनस फोर, यहाँ पे भी x माइनस टू वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस फाइव को x माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x माइनस टू वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 5x माइनस फाइव फोर ज़ा 20, एक्स ये यहाँ पे है, ये माइनस का 5x है, ये प्लस का हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस का यहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 4x, 5 में से निकाले 4, 12 में से 20 में से 2 निकाले तो आएगा माइनस का 18, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 18 बाय 4, 2 टू ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 9 बाय 2, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस 4, 20, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स ये माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 6x इज इक्वल टू प्लस का 20 है, यहाँ से माइनस का 2 आएगा तो क्या आएगा, प्लस का 2, 6 और 7x 22, एक्स इज इक्वल टू 22, ये 5 है 6, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 3, 9 बाय 2 और क्या आएगा, देखिए एक वैल्यू एक्स की हमारे पास आई है, एक्स इज इक्वल टू 9 बाय 2, एक्स इज इक्वल टू 11 बाय 3 के, एक्स ये वैल्यू ये एक आई है और एक वैल्यू ये आई है, ठीक है। देखिए आप लोगों को जो समझ नहीं आती है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कर करें। हम लोगों ने इसको अरेंज करना है, एक्स की 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, ठीक है। एक्स की 2 प्लस 2 प्लस एक्स की 2 माइनस 2 प्लस एक्स की 2 प्लस 2 माइनस एक्स की 2 माइनस 2 ओवर एक्स की 2 प्लस 2 एक्स की 2 माइनस 2 माइनस, अब देखें माइनस है बाहर तो अंदर के साइन जो हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे, क्या आएगा एक्स की 2, क्या आएगा प्लस की 2 माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स की 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 1 3, और 2 में से 1 निकला तो 1 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल कर दें, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, ये प्लस माइनस ये कैंसिल ये कैंसिल, एक्स की 2 माइनस की 2 ये माइनस और ये माइनस का, एक्स की 2 प्लस 2 की 2 कितना हुआ 2, 1 और 1 2, तो क्या आएगा एक्स की 2 प्लस 2 एक्स की 2 प्लस 2 इज इक्वल टू किसके 2, एक्स की 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 2 से फिनिश हो गया, अब हमने क्या करना है एक्स की 2 प्लस 2 ख़त्म करना, तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्केल लेंगे जस्ट हम रूट नहीं लगाएंगे, स्केल लेना है एक्स की 2 प्लस 2 एक्स की 2 माइनस 2 ये इकट्ठा कर लेते हैं इज इक्वल टू 3, ये जब इसका 1 ओवर 2 लेंगे 3 का स्केल लेंगे, इनका स्केल लेंगे, स्केल अंडर रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स की 2 प्लस 2 एक्स की 2 माइनस की 2 इज इक्वल टू 9 के, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का स्केल है तो क्या आता है 9, 3 3 ज़ा 9, ये देखिए अब यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेंगे, एक्स की 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स की 2 माइनस 2 से, एक्स की 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 9x का स्केल माइनस 9 2 ज़ा 18, ठीक है। ये प्लस का 9 है, ये 9x का स्केयर ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू ये माइनस का यहाँ आके किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का एक्स स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू इसके ये 18 माइनस है, ये प्लस का 2 है, यहाँ से आके यहाँ किसका देगा प्लस का 18,
18 और 20 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 8 एक्स का स्केयर, ठीक है। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8 ओवर, तो 20 ओवर इज इक्वल टू एक्स का स्केयर, और वो क्या था 8। 2 1 2, 2 3 2, 4 8, 2 1 0, 10, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। इसकी कटिंग की है मैंने 2 4 8, 2 5 2 1 1, 2 1 2 0, 2 4 2 2 4, 2 5 10 एक्स का स्केयर। तो क्या एक्स का स्केयर इज इक्वल टू किसके बाय 5/2। एक्स का स्केयर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड पर, बोथ साइड पर जब लेंगे तो एक्स का स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2, ठीक है। इसके अंडर रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू किसके प्लस माइनस 5/2। देन हमारे पास सॉल्यूशन साइड इसका क्या आया, एस इज इक्वल टू 5 ओवर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो इसका बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो मैं आपको खुद करके दिखाती हूँ। उसमें क्यूब है, एक्स प्लस सोल्यूशन सॉल्व उसने लिखा है, एक्स प्लस 5 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब ओवर एक्स प्लस 5 का क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 13/14। ये हम करते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 5 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब ओवर एक्स प्लस 5 का क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 13/14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले क्या लगेगा, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। बाय सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, अप्लाइंग थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो अप्लाइंग थ्योरम कौन सा कर रहा है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम हम लोगों ने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। क्या होगा, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब, एक्स प्लस 5 का क्यूब एक्स माइनस 3 का क्यूब, आगे प्लस की वैल्यू आएगी, एक्स प्लस का क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का क्यूब 13/14 ऐड होगा एक दफ़ा और एक दफ़ा लेस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस, ये देखिए एक्स प्लस 5 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब, अब ये बाय माइनस है, ठीक है। तो क्या आएगा, एक दफ़ा माइनस के साथ अप्लाई करना है, एक्स प्लस 5 का क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। ये देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 5 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस का साइन वैसे ही आएगा, एक्स प्लस 5 का क्यूब प्लस का एक्स माइनस 3 का क्यूब ओवर एक्स प्लस 5 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 5 का क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 13/14, जो है वो कितना है, 13 और 14 27, 14 में से 13 निकाले तो माइनस का 1 आएगा। अब देख लें कैंसिल आउट जो होना है उन्हें कैंसिल कर दें, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5, तो क्या बचा, 2 एक्स प्लस 5 का क्यूब 2 एक्स माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस 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 से कैंसिल, क्या होगा ये माइनस का 2, ठीक है, ये माइनस का 2 आना था,
27, ठीक है, ये माइनस माइनस टू टू से कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव थ्री और एक्स माइनस थ्री का स्केयर, ये देखिए क्या बचा, एक्स प्लस फाइव क्यूब का क्यूब, एक्स माइनस थ्री का क्यूब इज इक्वल टू किसके, 27। अब हम लोगों ने इसका क्यूब खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड पे, बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव का क्यूब ओवर एक्स माइनस थ्री का क्यूब इज इक्वल टू किसके, 27 के, ठीक है। जब हम इसका क्यूब लेंगे तो 1/3, 1/3, ठीक है, थ्री का क्यूब लेना हमें। ये देखें एक्स प्लस फाइव का क्यूब एक्स माइनस थ्री का क्यूब, तो 1/3 × 1/3 से, थ्री थ्री से कैंसिल और थ्री थ्री से कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू थ्री का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, थ्री का क्यूब 1/3, ये थ्री थ्री से कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब ये थ्री यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस फाइव थ्री एक्स माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस नाइन, प्लस का फाइव है यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके, माइनस के, टू एक्स और टू एक्स कितना हुआ, थ्री एक्स था, थ्री में से टू एक्स निकाले, माइनस फोर्टीन, माइनस माइनस से कैंसिल और एक्स इज इक्वल टू 14/2, टू वन सा टू, टू सेवन सा 14, एक्स इज इक्वल टू किसके, 7 के। स्टूडेंट तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट आने वाली वीडियो हमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।